जैसा कि अभी अभी सदर विधायक रवि शर्मा जी एवं जबलपुर विधायक अशोक रूहाणी जी का यहां से जाना हुआ है, क्योंकि उन्हें अन्य जगह भी जाके लोगों को संबोधित करना है। इसी बीच उन्नाव बालाजी के हमारे साथ विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं, माननीय अटल पटरिया जी एवं दिनेश चंद्र शुक्ली जी पूर्व सरपंच रह चुके हैं। आइए इनसे भांडा विधानसभा सीट को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि फूल सिंह भरैया ने नारी सम्मान को लेकर जो अशोभनीय शब्द कहे हैं, इस पर उन्नाव की जनता उन्हें क्या जवाब देगी? उन्नाव की जनता उन्हें तीखा जवाब देगी, 3 तारीख को होने वाले मतदान में जवाब देगी। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये इन लोगों की संस्कृति है, ये हिंदू धर्म या हिंदू लोगों की ये संस्कृति नहीं है। ये धर्म के विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं और देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जलकारी बाई जी अपनी जगह सम्मान नहीं है, महाराणी लक्ष्मीबाई जी अपनी जगह सम्माननीय हैं, दोनों के सम्मान हैं, दोनों की अलग अलग स्थिति हैं और दोनों ने अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना योगदान दिया है। मैं जलकारी बाई का भी सम्मान करता हूं, मैं रानी लक्ष्मीबाई का भी सम्मान करता हूं, पर इस फूल सिंह भरैया का मुर्दाबाद के नाम से इसका अपमान करता हूं। जैसे कि भांडर जो विधायक प्रत्याशी हैं वो भी एक महिला हैं, और जिस प्रकार इमरती देवी के लिए उन्होंने इस प्रकार का शब्द आइटम शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या जो भांडर की प्रत्याशी महिला है उन्हें कितना दुख हुआ होगा इस चीज़ को लेकर? ये तो देश की सारी महिलाओं को दुख हुआ है कि कमलनाथ जी जैसा पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करता है, दिग्विजय सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करते हैं। इसमें नारी सम्मान का इन लोगों कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो अपने स्वाद से कुछ भी कुछ कह देते हैं। जिस प्रकार रक्षा संतराम सरोनिया भांडा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और ये राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण चुनाव है? देखिए, भांडा विधानसभा के प्रत्याशी एवं मतदाता, महिला हमारे देश की धरोहर है, सम्माननीय है। हमारी संस्कृति में जर जोरू जमीन, 3 चीज़ों को आदमी के सम्मान का प्रतीक माना गया है। अगर इनमें से किसी एक का भी अपमान होता है तो हमारी भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति भरैया तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को एक अलग अलग विचारधारा से देखता है, जबकि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म की एक शाखा है। क्योंकि अपने निजी हित के लिए भरैया जैसा नालायक बदतमीज, जिसके लिए कोई ख़राब उपमा इसके लिए है नहीं, बदतमीजी की भी सीमा से ऊपर नीच व्यक्ति है ये अपने समाज को बांट रहा है, हमारे हिंदू संस्कृति को बांट रहा है, तो इसको तो अपमान के लिए क्या कहा जाए। जो निकट से निकट शब्द है मैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और आम मतदाताओं से हमारी अपील है कि जितना हो सके हमें आपको समाज में रहना, एक दूसरे के साथ में हमें आपको हिलमिल के रहना चाहिए। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि मजहब में बैर रखें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हम लोग बैर भाव से रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम तो प्रेम भाव से रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म प्रेम सिखाता है। जिस प्रकार समय कुछ ही बचा है, 3 तारीख को मतदान होना है, एक महत्वपूर्ण बिंदु से आपसे चर्चा करूंगा कि जो कमलनाथ ने आइटम शब्द का प्रयोग किया है, क्या इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इन्हें आने वाले चुनाव में हानि होगी? आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारेगी, भारतीय जनता पार्टी 28 में से 28 ही सीटों को जीतेगी और जीत की ओर अग्रसर है। कुछ मुद्दों की अगर बात को लेकर कहा जाए तो कांग्रेस ने कौन कौन से विकास कार्य भांडर विधानसभा में किए हैं? कोई भी विकास कार्य नहीं किया विधानसभा में। कौन कौन से क्या चाहती है भांडर विधानसभा? भांडर विधानसभा विकास ही विकास चाहती है। उन्नाव में होना चाहिए नगर पंचायत, उप तहसील होना चाहिए, डैम बनना चाहिए, खेल का मैदान बनना चाहिए, महाविद्यालय बनना चाहिए। ये यहाँ की जनता का की मांग है और हम लोग विधायकों से और सांसद से यही मांग करते आए हैं कि हमारे यहाँ इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कमलनाथ जी का एक महिला के प्रति निंदनीय और अशोभनीय शब्द कहने का क्या परिणाम 3 तारीख के बाद निकल कर आता है, ये तो जनता है और जनता के मन में है। लेकिन यदि एक महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक ऐसे जाने पहचाने और समाज में सम्मानित व्यक्ति को एक महिला के प्रति ऐसे अशोभनीय निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जिसका हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए हानि का सामना करना पड़ सके। सक्षम न्यूज़ इंडिया के लिए लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।